हेलो एवरीवन, आई एम रिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू कोरियन ड्रामा रिलीज हुई है जिसका नाम है समर स्ट्राइक, और ये हमारा फेमस स्टार है आईम सीवान का, जो किंग ऑफ लव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और मैं तो उनकी फ़ैन बन गई जब ये ड्रामा देखी थी किंग ऑफ लव। और आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और ये ड्रामा बहुत ही अच्छी है, इसी वजह से मैं आपको एक एक डिटेल्स इस ड्रामा के बारे में आपको मैं समझाऊंगी। आप वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एपिसोड वन के स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि हमारी जो फीमेल मेन लीड है वो एक बुरा सपना देख के चौंक के डर जाती है और सुबह उठती है और अपने ऑफिस के लिए निकल रही है। ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन के लिए वो प्रैक्टिस कर रही है और वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि अरे तुम प्रैक्टिस कर रही हो क्या अभी से अपने प्रेजेंटेशन के लिए? तो वो हाँ कहती है और वो कुछ पेपर चेक करती है जहाँ पे कुछ मिस्टेक होता है, लेकिन वो लोग आ जाते हैं तो वो मिस्टेक सुधार नहीं पाती है। और उसके बाद वहाँ पे एक लेडी कहती है कि अरे ये CEO तो ये सब ड्रिंक नहीं करते कैन कॉफ़ी, और वो तो दूसरी कॉफ़ी प्रीफर करते हैं, तुम यहाँ पे ऐसे ही क्यों खरीद के ला के रख दिए? तो उसका जो टीम लीडर होते हैं एक मेन एक आदमी है, तो वो कहता है कि अरे तुम हमेशा अपने ही टेस्ट के हिसाब से ये सब चीज़ करती हो क्या? तुम दूसरों के टेस्ट के बारे में तुम्हें पता नहीं, जाओ खरीद के लाओ। तो वो दौड़ दौड़ के जाके खरीद के लाती है। तब तक जब पहुंचती है ऑफिस में तो ऑलरेडी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और सब लोग इसको उल्लू बना चुके हैं। ये पूरा उल्लू बन के इतनी मेहनत की है प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है और CEO सबके तारीफ करते हैं। तो वो थैंक यू जब कहती है तो उसके टीम लीडर उसको समझाते हैं, अरे तुम तो कॉफ़ी लेने चले गए, ऑलरेडी CEO आ चुके थे, तो इसी वजह से बुरा मत मानना, हमने प्रेजेंटेशन दिखा दिए और प्लीज़ गलत मत समझना। ऐसे करके उसको बहला फुसला के चुपनी चुपनी बातें करके उसको वहाँ से भगा देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है, तो वो कहती है चलो ना कहीं पे अच्छे से डिनर करते हैं। तो वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके बॉयफ्रेंड में ना इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसकी जो टीम लीडर भी होते हैं उसके लुक्स की वजह से, उसके परफॉर्मेंस जो है जैसे सीधी साधी बोली वाली है, उसको बहुत लोग ताना मार के उसको ना मतलब कि एकदम लो कैटेगरी में ये देख रहे हैं सब, और उसके बॉयफ्रेंड भी उसी नज़र में देख रहा है। और वो कहती है कि वहाँ पर ना बॉयफ्रेंड को उप्पा बोलते हैं, तो मेल फ्रेंड को, तो वो कहती है उप्पा आज मेरे ऑफिस में ये हुआ वो हुआ कहके अपना बेचारी गाथा सुनाती है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है सब सब ना तुम्हारा ही सब चीज़ ना ये तुम्हारा ही है, मतलब कि गलती है तुम्हारा, तुम ना बिल्कुल भी अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन खुद की इतनी मेहनत की लेकिन दूसरों को क्रेडिट के दी, तुम सामने से एक्शन क्यों नहीं लेती हो, तुम हमेशा चुपचाप क्यों रह जाती हो? उन लोगों की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी ही है, ठीक है? तुम ही अपनी बातों को एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। जब तुम कॉफ़ी लाने गए थे, कॉफ़ी लाए, वहाँ पे तुम एंट्री मारते और अच्छे से प्रेजेंटेशन मैं क्यों बोल के साफ साफ कह देती, क्यों तुम दूसरों को क्रेडिट देने जाती हो यार? तुम ही अपने ही मूर्खता के ऊपर तुम खुद पर्दा डाल रही हो, ऐसे कह के उसका बॉयफ्रेंड बहुत सुनाता है। तो वो बेचारी आप मुझे डांट नहीं रहे हो, समझा रहे हो, ऐसा कुछ कहती है। तो वो कहता है अरे तुम्हें डांटने के भी कोई फ़ायदा नहीं है और समझाने में तो तुम्हारी अकल ही नहीं है, हम ना कुछ टाइम के लिए ये बात सोचते हैं, कह के उसका बॉयफ्रेंड उसे कह के उसको मतलब कि पता चल रहा है ब्रेकअप ही होगा। तो हम फिर नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि फिर वो रेस्टोरेंट से घर आती है और बेचारी, हमें लग रहा है बहुत बेचारी है, पूरा एपिसोड वन में ना उसको पूरा बेचारी ही दिखाया गया है। तो ऐसे टेक्स्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड को, तो अब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हम कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से मतलब अलग होते हैं, ऐसे कह के उसका बॉयफ्रेंड उसको रिप्लाई देता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि ऑफिस जाके वो कुछ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच के पूरा निराश होकर बैठी है, और फिर ना वो सोच रही है कि इसका बॉयफ्रेंड हमेशा ऐसे मतलब कि झगड़ा करके दोनों अलग होते हैं, लेकिन उसको मना लेता है, टेक्स्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा, ना ही उसको मना रहा है, ठीक है? हमारे हैंडसम हंक आईम सीवान यहाँ का मेन लीड जो है, इसका थोड़ा सा ही एपिसोड में दिखाया गया है कि सुबह उठता है, मस्त बाहर का नज़ारा देख रहा है, जॉगिंग पे जा रहा है, और यहाँ पे हमारी फीमेल लीड के बारे में फिर से हम देख रहे हैं एपिसोड में। नेक्स्ट सीन में ये ऑफिस आती है और उसका टीम लीडर उसको बुलाते हैं और उसको ना बहुत डांटता है, तुम ना पूरा गाय जैसी हो, सीधी साधी हो, सिंपल हो, तुम ऐसे काम कर रही हो, वैसे काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत किसी हुई, तुम प्रिंट चेंज कर दिए, तुम किसको पूछ के किए, तुम्हारे ज़्यादा मतलब पर लग गए हैं क्या? ऐसे करके उसको बहुत डांटते, बेचारे मुँह से एक आवाज़ नहीं निकालती है। ओह माई गॉड।
फिर वो ऑफिस से डांट वांट खा के थक हार आके घर में भूख लगी बोल के थोड़ी सी बारिश में भीग के खाना खाती है, मतलब नूडल्स खाती है और सो जाती है। फिर उसको एक कॉल आती है, तो उसके कॉल में कहते हैं उसकी मॉम की एक्सीडेंट हो गई है। और हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि उसकी मॉम ना बहुत इसको मेहनत से पाली है, इसका एक भाई भी है, और उसकी मॉम ना इसकी बहुत फिक्र करती है। तो उसकी मॉम को मतलब कि रेस्टोरेंट में बहुत काम करती है बेचारी, सारे रेस्टोरेंट में इनको काम करके इतना बड़ा किया है लायक बने कह के। ये सब हम फ्लैशबैक में भी देख रहे हैं। और पता चलता है कि उसको भाई को ये पूछती है एक्सीडेंट कैसे हुआ क्या हुआ, तो फिर ये शॉक हो जाती है देख के उसकी मॉम की बॉडी को, डेथ बॉडी को। अरे बेचारी की मॉम मतलब कि मर गई है। और एक वहाँ पे ना कोरिया में ऐसे मरने के बाद ना एक जगह पे एक रूम पे उसको दफनाने की जगह पे एक शोक सभा रखते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड भी मिलने आता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है इसी टाइम में अच्छे से खाना सोना, हिम्मत ना हारना और ज़्यादा रोना मत, ऐसे करके कुछ बातें ऐसे उसको समझा के वहाँ से चला जाता है। हैरान हो जाती है कि मतलब कि उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, 6 साल से रिलेशनशिप में है, फिर भी उसका बॉयफ्रेंड उस रिलेशनशिप के नाते कॉलेज टाइम से है उसको सिंपैथी भी नहीं देता है उसको, ठीक है ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे समझा के बात करके वहाँ से चला जाता है। तो उसको मॉम को याद करके वो बहुत रोती है और फ्लैशबैक सीन में कहती है कि मॉम आप चिंता ना करो, इतना मेहनत ना करो, इतना काम ना करो, रेस्टोरेंट में काम ना करो, तुम्हारा हाथ ना ऐसे बदबू दे रहा है प्याज और गार्लिक का, ऐसे जो आप साफ किए हो और आपके हाथ से बदबू आ रही है, आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं आपको अच्छे से कमा के खिलाऊंगी, आप इतना मेहनत ना करो, अपने मम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप है हमें ये देखने को मिल रहा है। और बेचारी बहुत रोती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि बेचारी मेहनत करी जा रही है, ट्रेन में जा रही है, वहाँ पे ऑफिस में बहुत मेहनत करी है, ऐसे डे बाय डे ऐसे आता जाता रहता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वो ना मतलब कि दिन हो रात हो ऐसे गुजरता जा रहा है, ऐसे सोच रही है अपने मन में कह रही है और मेरे काम ही खत्म नहीं हो रहे हैं, पूरा निराश होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो मेन लीड है उसको हल्का सा एपिसोड 1 में दिखाया गया है कि वो ऐसे जा रहा होता है और एक औरत ना एप्पल गिरा देती है नीचे, तो वो एप्पल कलेक्ट करता है और सोचता है अरे यहाँ पे क्यों रखूँ, चलो मैं इसको लेके खा ही जाता हूँ। तो वो एप्पल ना ऐसे ले जाके अपने रूम में आराम से बैठ के खाता है। फिर ये नेक्स्ट में ना ऐसे ट्रेन से जा रही होती है और अचानक से भीड़ बहुत बढ़ जाती है और ये ना बेचारी गिर जाती है नीचे और एक आदमी ना उसको हेल्प भी नहीं करता वहाँ से, अरे यार कह के चले जाता है। तो यहाँ पे उस मोबाइल में टाइपिंग कर रही है अपने ऑफिस में कि मैं अभी 20 मिनट और लेट हो जाऊंगी। तो यहाँ पे जब वो लिखती है तो नीचे देखती है कि कुछ फूलों की पत्तियाँ उसके नीचे देखती है कि गिरी पड़ी है। और ये चेरी ब्लॉसम है, कोरिया का ट्री है, वहाँ पे ना ऐसे विंटर में बहुत सारे मतलब स्प्रिंग विंटर में ना बहुत ऐसे पत्ते ऐसे बिखरते हैं, उसके फूल पेटल्स ना नीचे गिरते हैं। तो ये नोटिस करती है, अरे मैं बहुत दिनों से अरे देखी नहीं हूँ, काम में इतनी बिजी रहती हूँ, आज मैं नोटिस कर रही हूँ कि इतने सारे पेटल्स गिरे पड़े हैं, कितना सुंदर दिख रहा है नज़ारा, नेचर कितना खूबसूरत है, ऐसे करके वो नोटिस करती है हमारी हीरोइन। फिर वो ऐसे मेट्रो में ना नेक्स्ट ट्रेन मिस कर जाती है और उसके बाद ना अपने बॉस का जितने बार भी कॉल आता है वो काट देती है, इग्नोर करती है। और वो नेक्स्ट ट्रेन में जब चढ़ती है ना तो ऐसे देखती है कि अरे मैं तो दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, इतना खूबसूरत है, इतना सुकून मिल रहा है, इतना पीसफुल लाइफ है, ना काम का टेंशन ना कुछ का टेंशन, में कब ऐसे क्यों नोटिस ही नहीं की, ऐसे करके वो बाहर का खुले नज़ारा देखती है और पूरा रिलैक्स फील करती है। वो घर आके आराम से सो जाती है और उसके बॉस का कितना मैसेज कॉल्स देखती है, अरे मैं कैसे ऐसे खो गई यार, अरे मैं तो नोटिस ही नहीं की कि मुझे ऑफिस जाना है। तो फिर सोचती है अरे जाने दो, भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए सब कुछ, भाड़ में जाइए हमारा टीम लीडर बॉस, मैं आराम से अब सोऊंगी और मैं आज ना छुट्टी ले जाती हूँ करके वो आराम से सो जाती है। स्टेन डिसाइड करती है कि अब मैं और ये जॉब नहीं करूंगी जहाँ पे मुझे इतना सहना पड़ रहा है, इतना ताना सुनने को मिल रहा है, अब मैं अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करूंगी और आराम से खुल के जीऊंगी, ना काम का टेंशन ना कुछ नहीं, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी और मस्त एंजॉय करूंगी कह के वो सोच के आती है और अपने बॉस को रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और मैं छोड़ रही हूँ कह के कह देती है। उसका बॉस फिर उसको दूसरे रूम में ले जाता है, उसके पीछे पीछे ना सेकेंड जो लेडी है वो भी आ जाती है और दोनों समझाते हैं अरे जॉब ना छोड़ो, ये छोड़ो करके। उल्टा जॉब जब वो कहती है कि नहीं मैं छोड़ूंगी, मेरा मन मन करते हैं मतलब कि मैं सीईओ को भी कहूँगी कैसे ऐसे, जब कहती है ना ये लोग उल्टा ना उस पर बरस पड़ते हैं और उसको इतना ताना मारते हैं। तो वो कहती है मेरे में ना तुम्हारी चार्ट हिस्ट्री का प्रूफ है पूरा कि तुम मुझे कैसे
एसॉल्ट के मैसेज भेजे हो कि कहीं चलो होटल रूम में जाते हैं, जब मैं तुम्हें भाव ही नहीं दी, मैं तुम्हें इग्नोर की, तब से तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। तो ये सुन के ना इन दोनों का लफड़ा है, इस लेडीज के साथ और ये आदमी के साथ। तो वो ना ऐसे दिखावा बना SMS दिखाओ ऐसे करके वो उस पर ना मतलब कि उल्टा उसको डांटने लगती है। तो ये समझाता है, अरे नहीं ऐसा मत करना, तुम डर रहे हो ना। तो ये कहती है हमारी हीरोइन, तुम डर रहे हो ना कि मैं CEO को जाके सब बता दूंगी, मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, ऐसे कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें सॉरी कहता, तुम्हें माफी मांगने के लिए मुझे कहा था ना, ठीक है मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ, ऐसे मत करो, अब तो मैं पक्का जॉब छोड़ूंगी और तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, कह के वहां से चली जाती है। और बाद में सोचती है, कहती है कि मुझे इतना सहना ही नहीं था यार, मैं पहले ही ये सब कुछ, इतना ताना नहीं सुनना पड़ता, मैं पहले ही ये सब कुछ इनका खुलासा कर देती, कह के और वहां पर वो क्विट करके चली जाती है। सोचती है कि इतना क्रिटिसाइज ये लोग मुझे किए, ये सब मेरी ही गलती है कि मैं इतना सही अपने आप को। फिर वो बस से जब जा रही होती है तो वो सोच रही है कि अरे एक कितना सुंदर जमीन है, कितना बड़ा है, मैं कभी देखी ही नहीं, कितना खूबसूरत है, कह के वो बस से कुछ सोच के वहाँ से, ऐसे सोच सोच के वहाँ से जाती है। और फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि ऑफिस में ना वो जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसे बॉस के पास उसको आते हैं, तो उसको बॉस ना इसको जैसे परेशान कर रहा था, नई लड़की को भी ऐसे परेशान करने के फिराक में है। तो वहाँ पे एक मतलब कि एक मैसेज आता है सबके मोबाइल फ़ोन पे, तो वो वहाँ पे देखते हैं जो चैट हिस्ट्री वो खुलासा करने के बारे में कही थी ना, तो वो ना सबको अपने मोबाइल में प्रूफ भेज देती है। उसका CEO भी देखते हैं और उसको डांट लगाते हैं, ये ना उसका टीम लीडर का पूरा पर्दाफाश कर देती है, हाउ एम्बैरेस। और उसके बाद ना वो कहीं दूर चली जाती है हमारी हीरोइन, और मस्त पानी में स्विमिंग करके एंजॉय कर रही है। हम देख रहे हैं एक समंदर पे वो आराम से एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर ऑल, बाय।